दोस्तों आप लोगों ने एमसीयू में मैग्नेटो की बेटी वांडा को तो देखा ही होगा, जिसे हम लोग स्कारलेट विच के नाम से जानते हैं, और उनके बेटे क्विकसिल्वर को भी सभी जानते हैं। लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि मैग्नेटो की एक और बेटी भी है जो सच में अपने बाप पे गई है, जिसे हम लोगों ने द गिफ्टेड सीरीज में भी देखा है, जिसे उसके पिता मैग्नेटो यानी मास्टर ऑफ मैग्नेटिज्म के तरह ही मिस्ट्रेस ऑफ मैग्नेटिज्म कहा जाता है। तो चलिए बात करते हैं मास्टर ऑफ मैग्नेटिज्म मैग्नेटो की बेटी मिस्ट्रेस ऑफ मैग्नेटिज्म पोलारिस के बारे में। तो बिना किसी हिचकिचाहट के शुरू करते हैं आज की वीडियो। पोलारिस, जिसका असली नाम है लॉर्ना डेन, जो डेन फैमिली में मिस्टर और मिसेस डेन के पास बड़ी हुई थी, और बचपन से ही उसे यही लगता था कि मिस्टर और मिसेस डेन ही उसकी असली मम्मी पापा है। लेकिन जब वो 20 साल की हुई तब मिस्टर और मिसेस डेन ने उसे असलियत बताई कि उन लोगों ने लॉर्ना को गोद लिया था, वो लोग उसके फॉस्टर पेरेंट्स है। ये मिस्ट्री तो लॉर्ना के सामने साफ हो गई कि उसके असली पेरेंट्स कोई और है। लेकिन एक और मिस्ट्री सॉल्व नहीं हुई, जो थे लॉर्ना के बाल। बचपन से लॉर्ना का हेयर कलर ग्रीन थी, जो उसे सबसे अलग दिखाती थी, जिसलिए उसे हमेशा हेयर डाई यूज करके अपने हेयर कलर को ब्राउन करना पड़ता था, क्योंकि उसे पता नहीं था कि वो म्यूटेंट थी। और एक दिन लॉर्ना रोड क्रॉस कर रही थी, लेकिन वो ठीक से होश में नहीं थी, और एक गाड़ी उसे टक्कर मारने ही वाली थी कि तभी रोड पर अचानक से कहीं से बर्फ आ जाने की वजह से लॉर्ना फिसल गई, और तभी किसी ने आके उसे पकड़ लिया, और वो था बॉबी यानी आइसमैन। और बॉबी के साथ मिलने के बाद और थोड़ी सी बातचीत होने के बाद बॉबी ने उसे सैन फ्रांसिस्को में अपने एक अपार्टमेंट में लेके आया, और ये वही अपार्टमेंट था जिस अपार्टमेंट में अभी एक्समैन रह रहे थे। और सेरेब्रो ने आइडेंटिफाई किया कि लॉर्ना के पास कुछ म्यूटेंट एबिलिटीज है, और ये बात और भी ज्यादा कन्फर्म हुई जब उसके नहाने के बाद लॉर्ना के बालों के ब्राउन कलर धूल के ग्रीन हो गए, और एक्समैन ने लॉर्ना को ये बात रिवील की कि उसके पास म्यूटेंट पावर्स है, लेकिन किस हद तक कितने लेवल पे ये अभी भी अननोन है। और फिर बॉबी यानी आइसमैन को छोड़ के बाकी एक्समैन निकल गए कुछ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, और आइसमैन यहीं पे रह के लॉर्ना को रिकवर करने में मदद कर रहा था। लेकिन एक्समैन के वहाँ से निकलते ही वहाँ पे मैग्नेटो का डमी मेजमारो और उसकी एक टीम आती है, और लोग आइसमैन और लॉर्ना दोनों को किडनैप कर लेते हैं, और लॉर्ना को किडनैप करके मेजमारो लॉर्ना को अपने साइकिक जनरेटर के अंदर डाल देता है, और इससे लॉर्ना की छुपी हुई पावर पूरी तरीके से एक्टिवेट हो जाती है। और मेजमारो का प्लान यही था, वो सैन फ्रांसिस्को में म्यूटेंट जीन वाले लोगों को ढूंढ के उनके अंदर की म्यूटेंट एबिलिटीज को एक्टिवेट कर रहा था, जिससे कि उनका इस्तेमाल करके मेजमारो एक आर्मी बना सके आम इंसान यानी होमो सेपियंस और एक्समैन के खिलाफ जंग लड़ने के लिए। और लॉर्ना को होसाने के बाद वो सभी लोग लॉर्ना को म्यूटेंट्स की रानी कहने लगे, और मेजमारो ने उसे समझाया कि वो एक्चुअली मैग्नेटो की बेटी है, और इसके बाद मैग्नेटो ने भी उसे यही बात कही। और सब कुछ सुनकर और अपने साथ मैग्नेटो की पावर्स की सिमिलरिटीज देख के उसे इस बात पे विश्वास हुआ, और उसने अपने पिता मैग्नेटो का साथ दिया और मैग्नेटो के मिशन में अपने पिता की मदद की, और उन सभी एक्समैन से लड़ी जो एक्समैन उसे छुड़ाने के लिए वहाँ पे आए थे। वो अपने पिता के बहकावे पे आके अपने पिता के गलत रास्ते पे चल रही थी, और इसी सब के दौरान बॉबी यानी आइसमैन लॉर्ना डेन को लेकर थोड़ा सा रिसर्च करता है, और बाद में जब एक्समैन ने प्रिपेयर करके मैग्नेटो को हरा दिया तब आइसमैन लॉर्ना को समझाता है कि मैग्नेटो उसका पिता नहीं है, उसके पिता है अर्नोल्ड, लेकिन उसके माँ बाप एक प्लेन क्रैश में मारे गए, और उसके बाद उसके पिता की ही बहन मिस डेन और उनकी हस्बैंड मिस्टर डेन ने लॉर्ना को पाला। और आइसमैन के दी गई इस इन्फॉर्मेशन ने पूरे खेल का ही रुख बदल के रख दिया। लॉर्ना मैग्नेटो के बुरे इरादों को समझी और एक्समैन की तरफ आ गई, अपने पावर से मैग्नेटो मेजमारो इन सभी को मजा चखा के उन सभी को हरा के लॉर्ना ने एक्समैन ज्वाइन की, और कुछ ही वक्त के अंदर लॉर्ना एक्समैन की एक रेगुलर मेंबर बन गई, और उसने अपना नाम रखा पोलारिस। और आइसमैन धीरे धीरे पोलारिस के प्यार में पड़ गया, लेकिन पोलारिस को इंटरेस्ट थी साइक्लोप्स के भाई हेबोक के ऊपर। और उसके बहुत साल बाद पोलारिस ने जब एक्स फैक्टर टीम ज्वाइन की तब उसे अचानक से कुछ चीजें याद आती है। जब वो अपने पेरेंट्स की एनिवर्सरी के बारे में याद कर रही थी तब उसे कुछ याद आता है, जितना दूर उसे याद है उस प्लेन क्रैश के वक्त वहाँ पे मैग्नेटो भी मौजूद था, और वही रिस्पॉन्सिबल था उस प्लेन क्रैश के लिए, उसी के मैग्नेटिक पल्स की वजह से वो प्लेन क्रैश हुआ था। लेकिन इसके बाद लॉन्ग शॉट और मोनिक के मदद से पोलारिस को एक बड़ी सच्चाई पता चलती है। उस वक्त उस प्लेन में उसकी माँ सुजन और पिता अर्नोल्ड झगड़ा कर रहे थे। वो लोग झगड़ा कर रहे थे इस बात को लेके कि उसकी माँ सुजन के साथ मैग्नेटो का अफेयर था, और लॉर्ना अर्नोल्ड की नहीं मैग्नेटो की बेटी थी।
और 3 साल की लॉर्ना उसी वक्त उस प्लेन में थी और उसने अपने माँ बाप को लड़ते देख रोने लगी और डर के मारे चीखने लगी कि आप लोग लड़ना बंद कीजिए। और उस चीख से लॉर्ना के अंदर की मैग्नेटिक पावर ने उस प्लेन को तबाह कर दिया और जिससे उसके माँ बाप मर गए, लेकिन लकीली वो बच गई। और मैग्नेटो और उसका दोस्त मास्टरमाइंड जब जल्दी से उस क्रैश साइट पे पहुंचे तब उनको एक हरे वाले वाली बच्ची दिखी और मैग्नेटो ने डिसाइड किया कि लॉर्ना इस पावर के लिए भी तैयार नहीं है। और मैग्नेटो के कहने पे मास्टरमाइंड ने लॉर्ना के दिमाग को रीराइट कर दिया, उसके दिमाग से इस घटने को और सारे मेमोरीज को मिटा दिया। तो यही थी मैग्नेटो की बेटी लॉर्ना यानी पोलारिस की ओरिजिन। और अगर पावर्स की बात करें तो उसकी पावर्स मैग्नेटो की तरह ही है, वो मैग्नेटिक पल्स क्रिएट कर सकती है, फोर्स फील्ड क्रिएट कर सकती है और ऑब्वियसली उड़ सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप लोग हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बिकॉज यू आर अ फ्रीकिंग सुपर हीरो। और आप सभी भाई बहनों को, नहीं बहन नहीं, आप सभी भाई और सहेलियों को हैप्पी दशहरा। और आप लोगों की नवरात्रि और दुर्गा पूजा कैसी कटी वो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। सो बाय बाय दोस्तों, हैव अ नाइस डे।